12,500 ही क्या? बारह सौ हज़ार ही है। एग्ज़ाम्पल नंबर वन और एग्ज़ाम्पल नंबर टू और इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से आता ना? हाँ या ना? तो एग्ज़ाम्पल नंबर थ्री खत्म करवा देंगे आज। तो एग्ज़ाम्पल नंबर थ्री शुरू करने से पहले और समीर को ऐड होने से पहले एक शायरी बोल देते हैं। किसी शायर ने कहा था कि हम चुप रहते हैं फिर भी तर्ज बयां रखते हैं, हम चुप रहते हैं फिर भी तर्ज बयां रखते हैं, है तो हम कतरा फिर भी दरिया की ज़ुबान रखते हैं, और बड़े बेदर्द है ये संसार के लोग, दर्द जहां होता है हाथ वहीं रखते हैं। सही बात है कि नहीं है? एग्जाम्पल नंबर थ्री करते हैं। अब इसमें कंसेप्ट है था एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय ए कर्व एंड ए लाइन, ठीक है। अब ये कुछ भी नहीं है जो इंट्रोडक्शन पढ़ रखा, बस वही है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर थ्री क्या है? फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन बाय द कर्व। तो पहले हम कर्व लिख लेंगे यहाँ पे। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड लाइन है y इज इक्वल टू 4। तो हमने चार पैराबोला पढ़े थे हमने, ठीक है, लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड, अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये कौन सा है चारों में? अच्छा, अभी ये इसको याद नहीं करना है, इसको समझना है कि मैं x की दो वैल, x अगर y इक्वल टू 4 हो गया तो x की दो वैल्यू आएगी नहीं आएगी बताओ? आएगी नहीं आएगी? अब अगर y की वैल्यू सेम है और x की वैल्यू 2 है तो कुछ इस तरीके से बनेगा नहीं बनेगा? तो ये कौन सा हो गया? अपवर्ड पैराबोला हुआ कि नहीं हुआ? अपवर्ड पैराबोला हो गया, ठीक है। तो याद नहीं करना है कि ये कौन सा है, ये बस इसने क्या किया, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमने क्या सीखा था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और 4a की जगह यहाँ पे 1 लिखा बस इसने। आएगा समझ में? ठीक है, देखो एक, अब अगर हमें डायग्राम बनाना है इन दोनों से, ठीक है, तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, जो एक आप उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। अब वहाँ पे देखो क्या होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में, हमें आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल में डायग्राम कैसे बनेगा। उसमें क्या है, देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन एंड y इज इक्वल टू 4 सेकेंड इक्वेशन। अब y की वैल्यू 4 यहाँ पे रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2 आ गई। तो अपने पास क्या आ गया, देखो 2,4 एंड माइनस 2,4, ठीक है। तो बताओ अब ये जो भी डायग्राम बनेगा, और y इज इक्वल टू 4, तो 1, 2, 3, 4, y इज इक्वल टू 4, ये ओ 0, 0 है ये। अब इसको a, इसको b और इसको c नाम दे दिया, ठीक है। अब बताओ a के जो कोऑर्डिनेट होंगे,
वो 2.4 होंगे नहीं होंगे बताओ। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, -2.4। ठीक है, ये आए कैसे, हमने देख लिया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है दोनों का, ठीक है, उससे आ गए। ठीक है, अब इसको आप स्किप कर सकते हो आराम से। अब अगर एक सीधी लाइन है तो बताओ ये जो दोनों फिगर बन रहे हैं, दोनों पार्ट बन रहे हैं, दोनों सिमेट्री है कि नहीं है बताओ, दोनों में दोनों इक्वल है कि नहीं बताओ। तो हम एक का फाइंड करके उसको दो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या बताओ। अगर ऐसा आ जाए, एक बार देखना, अगर ऐसा आ जाए तो बताओ हम एक को फाइंड करके दूसरे से दो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या पूरे को, क्योंकि ये सिमेट्री नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है पार्ट। ठीक है, तो अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो दोनों इक्वल होंगे। अब देखना, इसको हम हॉरिजेंटल स्ट्रिप से और वर्टिकल स्ट्रिप से दोनों से करेंगे। हॉरिजेंटल स्ट्रिप से तो ये क्या है, एकदम ईजी है, एकदम ईजी। ठीक है, वर्टिकल स्ट्रिप से थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हमें सीखना पड़ेगा क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में वो काम में आएगा। ठीक है, तो देखो हॉरिजेंटल स्ट्रिप से करते हैं उसको। अब देखो इसको हमें फाइंड करना है, तो ये एक स्ट्रिप हो गई और इसके जो विड्थ हो गई वो डी वाई हो गई और ये एक्स हो गया। ठीक है, और आप इसको थोड़ा सेट कर लेना, ठीक है, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है ओ ए बी ओ। अब देखो एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ इज इक्वल टू, अब देखो एक्स इंटू डी वाई। अब y में चेंज हो रहा है तो लिमिट क्या हो जाएगी बताओ, 0 to 4 होगी नहीं होगी बताओ, 0 to 4, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब देखो गिवन, अब एक बात बताओ कि y इज इक्वल टू 4 भी दे रखा हमें और y इज इक्वल टू क्या दे रखा हमें, x भी दे रखा है। ठीक है, अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर काम में लेंगे, y इज इक्वल टू 4 काम में लेंगे, x इज इक्वल टू दे रखा हमें, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 है तो इसमें तो कुछ देखने वाली बात ही नहीं है। सिंस गिवन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट y, इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस का अंडर रूट y होगा। और रीज़न क्या लिखोगे, सिंस जो y है, y लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, तो देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ इज इक्वल टू 0 to 4, एक्सिस का आ जाएगा अंडर रूट वाई डी वाई। अब बताओ इसको फाइंड करना हमारे लिए सबसे आसान काम है कि नहीं है, इसको फाइंड करना। ठीक है, तो फाइंड करते हैं इसको फटाफट हम। एल एच एस में आपको ये लिखना है वापस, और ये क्या आ जाएगा, वाई की पावर 1/2 + 1/2 + 1 और ये 0 to 4, ये आ जाएगा क्या, वाई की पावर 3/2 और अपॉन में 3/2 और ये पावर जो लिमिट है वो 0 to 4 और 2/3 बाहर आ गया, और ये लिमिट रखेंगे तो 4 की पावर 3/2 माइनस में 0 की पावर 3/2, तो ये कितना आ जाएगा, 2/3 इंटू में 4 की पावर 3/2 हो जाएगा कितना, 8, तो ये आ गया कितना,
16 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ये इसका आ गया। आप पूरे का फाइंड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रीजन, अब रीजन कौन सा देखो, ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ, तो एल एच एस में ही चलेगा और आर एच एस में 2 इंटू में एरिया ऑफ रीजन, तो ये आ जाएगा 16 अपॉन 3। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 32 अपॉन में 3 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमने जो किया है वो किससे किया है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से किया, तो आप ऊपर लिख लेना चाहिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से बहुत ही आसानी से हो गया, ठीक है। नोट कर लिया गया यहाँ तक आपने, ठीक है। अब देखो वर्टिकल स्ट्रिप से करेंगे तो मैं आपको कहूँगा कि एक बार पेन को आप रोक दो, ठीक है। बस यहाँ पे बोर्ड पे देखना आपको कि क्या क्या मैं समझा रहा हूँ, बस वो समझना है, ठीक है। उसके बाद में 2 मिनट लगेगी, आप नोट कर लेना, ठीक है। और अगर वो वर्टिकल स्ट्रिप वाला यहाँ पे सीख लिया आपने तो वो ही चीज़ काम आएगी एग्ज़ाम्पल नंबर 4 में, तो वहाँ पर आपको समझना नहीं पड़ेगा फिर। अब लिखना नहीं आपको बिल्कुल भी जब तक क्वेश्चन पूरा ना हो जाए। अब ये ही अपना क्वेश्चन है और देखो इसको वर्टिकल स्ट्रिप से करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड होगा 100% होगा, ठीक है, लेकिन हमें समझना ज़रूरी है वो। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला हमें पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। ये ओ, ये ए, ये बी, ये सी, ये 0 0, ये क्या हो जाएगा 2.4 और ये हो जाएगा -2.4, ठीक है। अब एक का फाइंड करके हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखना हम क्या कर रहे हैं, वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये डी एक्स हो गया और ये वाई होगा। तो देखो एरिया ऑफ रीजन आपको अच्छे समझना, ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ, ठीक है। अब देखो हमें वर्टिकल स्ट्रिप से फाइंड करना है। अब अगर वाई देखो यहाँ पे 2 है, ठीक है। वाई क्या है, यहाँ पे लाइन है और यहाँ पे पैराबोला है, ठीक है। अब देखो मेरे को इसका एरिया चाहिए इतने इतने का, ठीक है। अब देखो मैं इसके अकॉर्डिंग करूँगा तो जो हमें एरिया अंडर द कर्व बताता है हमें, ठीक है, ये क्या बताता है हमें, एरिया अंडर द कर्व। अब ये लाइन के नीचे का कर्व, तो ये लाइन के नीचे बताओ ये पूरा यहाँ तक आएगा नहीं आएगा, बताओ आएगा नहीं आएगा, यहाँ तक 0 to 4 तक आएगा नहीं आएगा, बताओ। देखो यहाँ ये लाइन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो y l और ये dx, y l dx, y किसके अकॉर्डिंग है, लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो लिमिट हो गई वो 0 to 4 हो गई। अब ये बताओ ये जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है, ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसका, ये एरिया में माइनस करना होगा नहीं करना होगा, बताओ, ठीक है। अब ये हमें माइनस करना है तो ये बताओ कि ये एरिया हमें माइनस करना है,
अब ये देखो क्या है, पैराबोला है कि नहीं है बताओ, ये पैराबोला है कि नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे y p dx लिख दूंगा तो बताओ ये मेरे को नीचे वाला एरिया देगा या फिर ऊपर वाला एरिया देगा, कौन सा एरिया देगा? आवाज नहीं आ रही? परस आवाज नहीं आ रही क्या? तो मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे आइए पैरा, जैसे हमने अब देखो लाइन के अकॉर्डिंग देखेंगे हम तो एरिया अंडर द कर्व है, ठीक है? तो लाइन के नीचे तो ये पूरा ही आ रहा है, ये थोड़ी ना कि यहाँ ये लाइन है वो यहाँ पे नहीं आएगी, ये लाइन तो यहाँ पे पूरा देगी ना, इसके नीचे का पूरा देगी, तो ये भी शामिल हो जाएगा। अब ये तो एक्स्ट्रा आ गया, ये तो हमें चाहिए नहीं, ठीक है? तो हमें ये एक्स्ट्रा जो आ रहा है वो माइनस करना पड़ेगा वाई पी, तो वाई की वैल्यू क्या है? पैराबोला है, ठीक है? पैराबोला से फाइंड करेंगे हम। अब ये बता दो कि हम इसका यूज़ कर रहे हैं तो इसका एरिया नीचे वाला एरिया देगा नहीं देगा बताओ, क्योंकि हमने क्या सीखा है, एरिया अंडर द कर्व, कर्व के नीचे का एरिया तो देता ना हमें, जैसे ये होता है, ये होता है। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना होता है, तो ये जो देगा हमें जैसे y इक्वल टू fx है, तो ये इसके नीचे का एरिया देगा नहीं देगा बताओ, देगा नहीं देगा? तो अब ये ऐसा भी तो हो सकता है ना, तो ये बताओ अगर ये काम में लिया हमने तो ये इसके नीचे का एरिया देगा नहीं देगा बताओ, तो जो लिमिट्स हैं वो कहाँ से कहाँ होगी बताओ इसकी, जीरो से चले हम और कहाँ तक चले, यहाँ पे x की वैल्यू क्या, यहाँ पे जीरो टू फोर है कि नहीं है बताओ, तो बताओ ये चीज़ समझ में है कि नहीं है कि y l dx, देखो हमें ये चाहिए था ऊपर वाला, ठीक है? अब ऊपर वाला कैसे फाइन करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप से, ठीक है? तो हमने लाइन के अकॉर्डिंग देखा, अब लाइन के अकॉर्डिंग तो क्या है, ये पूरा ही दे रहा है नीचे वाला, ठीक है? अब ये एक्स्ट्रा रहा है तो ये कैसे माइनस करें, तो यहाँ पे मेरे को पैराबोला दिख रहा है तो मैं इसका एरिया फाइंड कर लूँगा। अब ये क्या देगा, एरिया अंडर द कर्व है, तो अब इसके नीचे का एरिया आ जाएगा वो मैं माइनस कर दूँगा। आएगा बात समझ में आपको? तो ये थोड़ा बहुत आपको सीखना है, ठीक है? अब ये इक्वेशन नंबर वन हो जाएगी। अब वाई एल तो हमें पता है वाई इक्वल टू फोर, वो तो सीधा पता है हमें, ठीक है? अब ये फाइंड करेंगे वाई पी, सिंस गिवन है हमें वाई, अब ये भी दे रखा है हमें तो सीधा ही दे रखा है, तो ठीक है, तो हम डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे इनका, तो एल एच एस में ही चलेगा। अब ज़ीरो टू फोर वाई एल फोर डी एक्स होगा, माइनस में ज़ीरो टू फोर एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा। देखो आगे सॉल्व करते हैं हम इसको, तो फोर बार आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स ज़ीरो टू फोर माइनस में एक्स क्यूब अपॉन में थ्री और ज़ीरो टू फोर। अभी ज़ीरो टू फोर कैसे हो गया, ज़ीरो टू टू नहीं होगा क्या ये वाला, ज़ीरो से टू तक एक्स यहाँ पे तो चेंज हो रहा ना, ये से नो, ठीक है? तो ये ज़ीरो टू टू होगा ये, अब देखो ये फोर, फोर माइनस ज़ीरो तो फोर हो जाएगा, तो ठीक है, माइनस में एट बाई
3 हो गई, तो ये कितना हो गया 16 माइनस में 8 अपॉन 3। अभी कितना होगा बताओ, अब ये भी 2 नहीं होगा क्या? आप एक बार देखो कि लाइन, ये लाइन है, अब यहाँ से यहाँ चलो, यहाँ से यहाँ चलो, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 2 ही है, तो 0 से 2 की तरफ ही तो है, तो आप भी 4 बोल रहे हो फिर। इतना तो आपको ध्यान में होना चाहिए ना, क्योंकि हम y से चले थे तो y के अकॉर्डिंग देखा तो 0 से 4 तक चले थे हम, और ये 0 से 2 है, ठीक है, तो ये 2 आएगा, ये 2 और ये 4 तो रहेगा, ठीक है, 4 और ये 2, ये 8, तो ये कितना हो गया 3, 24 माइनस में 8, 16/3। सो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी सी ओ, तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ, 2 इंटू स्क्वायर यूनिट्स। तो आया कि नहीं है बताओ, सुनना आपको, वर्टिकल स्ट्रिप से आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, देखो समझे कि नहीं समझे आप इसको। ठीक है, तो अब आप इसको नोट कर लो आप।